आज हम आपको ग्रेनिटोस स्टिच बनाना सिखा रहे हैं। ये हम दो तरीके से सिखाएंगे, तो आप वीडियो आखिरी तक देखते रहें। देखिए, तीन पत्तियां हमने बना रखी है, चौथी हम आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए, अभी जो हम तरीके से बना रहे हैं, जिस तरीके से, उसमें ये वाला पोर्शन चौड़ा रहेगा और यहां से पतला रहेगा। तो देखिए, यहां से निकालने के बाद हमने यहां डाल दिया। बहुत सिंपल है ये, सेटिन स्टिच जैसी दिखती है ये बिल्कुल। इसके बाद हम वापस यहां आ जाएंगे, इसके पास में देखिए, हम नीचे से, हमने इसके पास से निकाला है, पर ऊपर से हम उसी छेद में डाल देंगे आके। ये देखिए, इसके बाद वापस नीचे से हम इसके इधर बगल से आके निकालेंगे और ऊपर वापस उसी छेद में। ये देख लीजिए, यहां से ये चौड़ा है, ऊपर से पतला है। तो ये हमारी पत्ती कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप सुई डाल के इसको थोड़ा सा यूं कर दीजिए ताकि पफी लुकिंग आ जाए। इसके बाद आप नीचे से गठान लगा देंगे। तो ये तरीका तो हुआ जिसमें कि यहां से चौड़ा था और यहां से पतला था। अब हम ये आपको दूसरे पत्ते दिखा रहे हैं, इसमें हम ऊपर से तो चौड़ा होगा हमारा और नीचे से पतला होगा। ये देखिए, आप मन से भी कर सकते हैं इसे, फिर भी जो नए नए सीखने वाले हैं, नए नए बिगिनर्स हैं, उनके लिए हम इसे करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसमें ये हमने किया इस तरह से। इसके बाद अब हम इसमें ऊपर की तरफ से इसके बगल से निकालेंगे। ये देखिए, हम इसके पास से निकाल रहे हैं, उसी छेद में से अब नहीं निकाल रहे, पर अब हम यहां नीचे आके उसी छेद में डालेंगे। अब हम ऊपर से चौड़ा करेंगे और नीचे से उसी छेद में डालेंगे। ये देखिए, और देखिए इधर, इसके बाद हम इधर आ गए इसके बगल में और नीचे से आके हम उसी छेद में डाल देंगे। इसके बाद आप इसको ऐसे करके थोड़ा पफी लुकिंग देने के लिए इस तरह से कर दीजिए और आप नीचे इसकी गठान लगा देंगे। इसके बाद देखिए, आपको बीच में फ्रेंच नॉट बनानी है। फ्रेंच नॉट बनाना हम आपको सिखा देते हैं। फ्रेंच नॉट के लिए आप ये बीच में से निकालेंगे और एक, दो, दो बार लपेटने के बाद, चाहे तो आप तीन बार भी लपेट सकते हैं और चाहे तो एक बार भी लपेट सकते हैं। तो एक, दो, तीन, कितनी बार लपेटना है ये आप देख लें कि आप कितना मोटा लुक देना चाहते हैं उसे। ये देखिए, ये हमारे बीच में बन गई। इस तरह से आप इसे दो तरह से बना सकते हैं, और आप इसे चाहें, अगर आप इससे भी मोटा बनाना चाहें तो आप इसे चार बार, पांच बार ले लीजिए। आप इसकी जितनी मोटाई देना चाहें उतनी बार ले लीजिए। हमने देखिए, एक, दो, तीन, केवल तीन बार किया था। आप चार बार, पांच बार करें तो और मोटा हो जाएगा, यहां से इसकी चौड़ाई और ज्यादा हो जाएगी। तो चौड़ाई ज्यादा करने के लिए आप और कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा करे। तो देखिए, बहुत थोड़ी सी मेहनत में ये बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर बन जाते हैं।